हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारा इसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी वर्लपुल की मशीन है जिसके अंदर हमने आपको पहले वाले वीडियो में जो है ये गेयर बॉक्स पूरा निकालने सिखाया था कैसे निकलता है, और उस वीडियो के लास्ट में हमने इन प्लेट्स के अंदर जो है नए बैरिंग लगाए थे। उस टाइम रात हो गई थी, इसलिए हम जो है ये बाकी का काम नहीं करता है। और देख सकते हैं इसमें भी मैंने बैरिंग बिल्कुल नया लगा दिया है। नया लगाने के बाद अब जो है इस प्लेट के अंदर हम ये जो है सील नए वाले फिट करने वाले हैं। इस सील को फिट करने का तरीका क्या रहेगा अब वो समझ लेते हैं। इस सील को जो है नॉर्मल तरीके से हम फिटिंग करेंगे, जैसे हमारा सिंपली कोई भी सील होती है हम उसे लगा के ऐसे ऊपर से पंच कर देते हैं, तो वही तरीका रहेगा। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीस लगा सकते हैं अगर आप अनएक्सपीरियंस हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आप विदाउट इसको ग्रीस लगाए ऐसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं फिट कर लेता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों सील को फिटिंग करने के लिए सील को आपको यहाँ रखना है, और कोई भी आप रबड़ की चीज़ ले लीजिए या प्लास्टिक की और उसे ऐसे ठोक दीजिए, क्योंकि इस सील के अंदर जो इसके नीचे का हिस्सा होता है उसके अंदर जो है मेटल का पार्ट लगा होता है जो कि जाके इस बॉबिन के अंदर फंस जाता है, जिससे हमारी सील जो है नहीं निकलती। अभी इसे हम ऐसे ठोकेंगे। ठोकने के बाद ये देख लीजिए, ऐसा करने से बेनिफिट ये रहता है, हम लकड़ी का गुटका रखेंगे तो प्रॉपरली जो सील हमारी दोनों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट फोर्स पड़ता है और चारों तरफ से सही फिटिंग होती है। तो इसमें हमें ये डाउट नहीं रहता कि कहीं से हमारी सील उठी हुई है या नहीं उठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि इधर से थोड़ी उठी हुई है, मैं इसे दबाऊँगा दोबारा से। आप ऐसे चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट रहता है सील का थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेटल होता है इसलिए थोड़ा ये दिक्कत कर सकती है आपको डालते टाइम। अगर ये प्रॉपर आप नहीं डालेंगे तो गियर बॉक्स आप चाहे हजार बार डाल लीजिए खराब होगा ही होगा, क्योंकि सील अगर टेढ़ी रहेगी और इस सापट पे नहीं लग के चलेगी तो पानी आपका जाएगा अंदर। तो चारों तरफ से सील प्रॉपरली फिटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम वो रहेगा, हमें यहाँ पर ग्रीस लगाना होगा। ठीक है, तो ग्रीस लगा लेते हैं इसमें पहले। तो ग्रीस जो है हमने दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा ग्रीस लगाने से क्या होता है आपको पता है पानी में चलती है पानी में, और हमारा कपड़ों का मैल होता है तो उसे ज़्यादा पकड़ लेती है। हम जब भी ग्रीस लगाएंगे ना नॉर्मली लगाएंगे। चलिए अभी इसे फिटिंग करते हैं। दोस्तों जब फिटिंग हमें ये जब खोलनी होती है तो इस हब पे जो हम मार्किंग कर लेते हैं कि हमने किस साइड से खोली, तो देखेंगे यहाँ पे एक मार्किंग करके हमने पेचकस से यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है, और इस हब पे भी हमने मार्किंग की थी, ये देख लीजिए यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है, और अभी से जो हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, अभी इसलिए टाइट जा रही है क्योंकि इसके अंदर अब सील लग चुकी है, थोड़ा से दबाएंगे तो ये इजीली जो है इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फिट हो गई है। अभी हमें कुछ नहीं करना, स्क्रू लगाने हैं इसके, सारे के सारे स्क्रू लगा लेते हैं हम इसके एक बार। ठीक है, तो दोस्तों हमने सारे जो है स्क्रू इसमें टोटली जो है 6 स्क्रू थे हमने लगा लिए, और ये रबड़ यहाँ पे हम लगा लेंगे, और ये हाउसिंग है छोटी हब इसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे, ये इसलिए ये ना निकले। और इसका दूसरा काम भी हम दिखाएंगे आपको क्या करते हैं। अभी जो हम इसे क्या करेंगे, ये प्लेट लगेगी। इस प्लेट को लगाने से पहले हम गियर बॉक्स को लगाएंगे, और गियर बॉक्स को लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारा बैरिंग है ये इसमें बिल्कुल अच्छे से आराम से फिटिंग हो जाए। बैरिंग पे हम ग्रीस लगा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसके अंदर टाइट फंसेगा, इसलिए यहाँ पे ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे बस हम सिंपली इसी तरीके से डाल देंगे और इसे पुश कर देंगे थोड़ा सा, और बिल्कुल ये देखिए इजीली जो है चला गया है। और कई चांस ऐसे रहते हैं कि हमारी ये चीज़ काफ़ी हार्डली फंसती है, और इसमें ऐसा नहीं, इस कंडीशन में इसमें ऐसा नहीं था। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी ब्रेक है, इस गियर बॉक्स को हम दोबारा निकालेंगे, या फिर आप जो है इस रबड़ को यहाँ से निकाल के ऐसे, ठीक है, इस रबड़ को आप निकाल लीजिए। इस रबड़ को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रेक को जो है इसमें डालेंगे, और सबसे पहले इस ब्रेक पे हम रेगमार मारेंगे, हमने इसको साफ़ नहीं किया तो इस पर रेगमार मार लेते हैं। तो अभी जो हम इसे रगड़ लेंगे ताकि इस पर जो चिकनावट है वो ख़त्म हो जाए और ये रफली हो जाए, जिससे इजिली जो है ब्रेक लगा सके। दोस्तों देखेंगे हमारी ये कलर चेंज हो चुका है इसका, हमने जब इसे किया तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब इसे हम लगाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ पिन हमारी ऊपर होनी चाहिए,
तो इसे हम यहाँ इसमें लॉक करेंगे पहले, ऐसे लॉक करने के बाद इसे यहाँ डालेंगे, ठीक है। और ये हमें जो है गियरबॉक्स बाहर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जा नहीं रहा ये, क्योंकि हमें लॉक खोलना पड़ रहा है। गियरबॉक्स ऊपर आ चुका है हमारा, और इसे डालेंगे और ऐसे लॉक कर देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो चुकी है, और जब बैरक लगेगी तो ये इसे ऐसे पुश करेगी, घूमने नहीं देगी, और जब ये ऐसे हो जाएगी तो इजीली ये घूम सकती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ऐसे घूमेगी, और जब ऐसे ये ऐसे पुश करेगी तो ये नहीं घूमेगी, ठीक है। हो गया ये, अभी से हम यहाँ पे लगा देते हैं रबड़ को जो हमने निकाली थी, ठीक है। ये थोड़ा ब्रेक को लगा के रखती है अच्छे से, और इसको यहाँ लगा देंगे। ओके, हो गया फाइनली। अब इसकी जो हम ऊपर वाली प्लेट लगाएंगे, ऊपर वाली प्लेट लगाने से पहले हमें इसके अंदर ये क्लच मोटर लगानी पड़ेगी, तो इसके अंदर क्लच मोटर बैठा लेते हैं अच्छे से। तो ये स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं, ठीक है, ये हमारी लग गई हैं अच्छे से, स्क्रू टाइट हो गए हैं, अब इसे हम फिट करेंगे। ठीक है, इसके स्क्रू लाते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो है रबड़ का बेस है इसका, ठीक है। रबड़ का बेस कहने का मतलब मेरा जो ये है प्लास्टिक है, तो इसकी सीट थोड़ी टाइट है, स्क्रू टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद थोड़ा यहाँ फोर्स लगाएंगे थोड़ी से हैमर से, तो ये फिट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम जो है इसके स्क्रू टाइट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था स्क्रू टाइट करने के बाद हम इस पर चोट लगाएंगे, ठीक है, वैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप विदाउट स्क्रू टाइट करे चोट लगाएंगे तो बैरिंग हमारा नीचे बैठेगा नहीं, वो वापसी फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे पूरा टाइट करेंगे, फिर चोट लगाएंगे, इजीली बैरिंग जो है अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं जाएगा। अभी हो गया, तो देखिए कितना फ़र्क पड़ा है, बैरिंग बिल्कुल नीचे चला गया, तो ये स्मूथली घूम रहा है। और हम ब्रेक को थोड़ा लूज कर देते हैं तो अच्छे से घूम रहा है ये, देख लीजिए। और अभी मैं ब्रेक को टाइट करता हूँ तो ये नहीं घूमेगा, मतलब वॉश मोड पे हो चुका है, देख लीजिए किसी साइड नहीं घूमेगा, ठीक है। अभी ब्रेक क्लोज कर रहे हैं तो दोनों साइड घूम रहे हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो है मैकेनिज्म फिट करेंगे अभी, और इसके अंदर मैंने नट रखे हुए थे पुली के, ठीक है, और साफ पार्शियल भी, ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो इसका सिंपल वही तरीका है, पहले हम इसे डालेंगे, ठीक है, स्प्रिंग डालेंगे। अगर आप स्प्रिंग को थोड़ा लंबा करें तो और भी अच्छा रहेगा, काम करने में मैकेनिज्म अच्छा काम करेगा। अभी इसके अंदर हम जो है इस मैकेनिज्म को फिट करेंगे, तो स्प्रिंग की जो है दोस्तों पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो जिस साइड से हमारा मुंह इसका जो है टाइट है, वो नीचे करना पड़ेगा, दूसरा ऊपर करना पड़ेगा। तो इसे डालना थोड़ा महाभारत है इस कंडीशन में, ठीक है। तो हो गया है, अभी हम इसे डालेंगे। तो ये डल चुका है, देख सकते हैं अच्छे से प्रेस हो रहा है। अभी इसे हम लॉक करेंगे ये डाल के, ठीक है। इसका ये कट साइड है, ये कट साइड हमारी इस साइड आनी चाहिए, ये वाली साइड, ठीक है। तो इसे हम ऐसे डालेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे और इसे लॉक करेंगे। तो इसे ऐसे करके रखते हैं और लॉक कर लेते हैं, देखिए। तो ये
चारों तरफ से अच्छे से लॉक हो गए हैं और देख सकते हैं अंदर का मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है हमारा, ये देख लीजिए। ठीक है, अभी हमारी बारी आती है इसे लगाने की। इसे लगाएंगे हम, तो ये अभी वॉश मोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे का मैकेनिज्म देखेंगे वो नहीं घूम रहा है। जब इसे ऐसे कर देंगे हम, पुली ऊपर आ जाएगी तो हमारा देखिए स्पिन मोड पे जो है हमारा ड्रम घूमेगा। ठीक है, तो इसे हम वॉश मोड पे कर देते हैं और इसकी जो है पुली के नट टाइट करते हैं। अभी देखेंगे, अभी हमारा मैकेनिज्म है वॉश मोड पे, इधर से देख लीजिए। ये अभी वॉश मोड पे, इधर देखिए तो हमारी कोई साउंड नहीं है क्योंकि हमने मैकेनिज्म और पुली का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छे से बनाया है। इसके अंदर हमारा गैप होना चाहिए दोनों गरारी के बीच में। वॉश मोड पे तो कोई साउंड नहीं आएगा, अगर उसमें गैप नहीं होगा तो साउंड क्रिएट होगा। और अभी देखिए इसे हम करेंगे तो ये हमारा स्पिन मोड भी आ जाएगा और हमारा ये पूरा मैकेनिज्म घूमेगा स्पिन मोड पे। ठीक है, ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए, हमारा इतना काम हो चुका है और अभी जो है हम बाकी का इसका हम ये लगाएंगे इसका। दोस्तों, वीडियो में पहले भी बताया था कि आप ये जो है लॉक इसका ना निकाले डैम्पर वाल का, क्योंकि ये निकालने से क्या होता है इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो अंदर चला जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम इसे वैसे के वैसे यहाँ पे लॉक करेंगे डाल के, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए हमने इसे ऐसे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, सिंपली अब हम यहाँ से स्क्रू लगा देंगे इसके। ये दो काम करता है, इसको जो है नॉर्मली वॉश मोड पर रखता है, जब इसे चलना होता है तो हमारी ये क्लच मोटर काम करती है और इसे इस पोजीशन पे ले आती है और स्पिन मोड पे काम करना शुरू कर देता है। चलिए इसे हम स्क्रू लगा लेते हैं, इसे थोड़ा टाइट करके इसकी ही पोजीशन पे इसे। तो दोस्तों, फाइनली हमारी जो है मशीन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए वॉश मोड पे है। ठीक है, जब इसे मैकेनिज्म कैसे खींचा जाएगा क्लच मोटर के जरिए तो ये ऐसे स्पिन मोड पे हो जाएगी। ठीक है, तो अभी एक बार सारी चारों तरफ से मशीन दिखा दीजिए। अभी हम जो है दोस्तों सारा काम फाइनल होने के बाद अभी हम मोटर फिट करेंगे और मोटर को लगाने का तरीका वही रहता है जो जिस तरीके से आप खोलते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप इसे टेढ़ा वेढ़ा ना फिट करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम दोस्तों इसके अंदर हब फिट करने वाले हैं। ठीक है, हब फिट करने का नॉर्मली वही तरीका है, इस पे लगाने हैं और ये इसके 6 स्क्रू है और इसके अंदर जो है दोस्तों ये 7 नंबर के इसके अंदर स्क्रू दे रखे हैं इन्होंने। ऊपर से जो हमारी गोटी लगती है 7 नंबर लगती है, चाबी लगा सकते हैं आप, गोटी लगा सकते हैं, बट हमारे पास चाबी या गोटी नहीं है 7 नंबर की। हम इसे जो है प्लास से टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक हम टाइट करते हैं, इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है प्लेट लग चुकी है, नट स्क्रू टाइट हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम जो है ड्रम के शोकर लगा के इसे हम बॉडी में डाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे चला के चेक करेंगे। बॉडी तो स्टार्ट करिए। तो दोस्तों फाइनली हमारी देख सकते हैं पल्सेटर और ड्रम नॉर्मल तरीके से लग जाते हैं। आपको पता है कि जो हम इसमें 10 नंबर का नट हमारे यहाँ लगा रहता है और पल्सेटर का आपको पता ही है। तो सारा काम हो चुका है, अभी जो हम फाइनली इसका जो है पैनल फिटिंग करने वाले हैं, ये वाला पैनल, तो इसे हम फिट कर लेते हैं। पहले हम ये वायरिंग नीचे डालेंगे जो कि हमारी मोटर की तरफ जाएगी और ये हमारा प्रेशर सेंसर के लिए रहेगा ये वाला पाइप, और इसे जो है हम इस पर लगा देते हैं। इसकी हमने पीसीबी निकाल रखी थी, उसका कुछ इशू था, वो हमने रिपेयर कर दिया था पीसीबी का। ठीक है, ये फाइनली हो चुका है। अब इसके जो हम पीछे से वायरिंग करेंगे, वायरिंग करने के लिए ये हमारा मोटर का जैक है बट ये जला पड़ा है, इसकी जो हम कटिंग करके सीधी वायर लगाएंगे और ये हमारा स्पिन मोटर के लिए जाएगा और ये दोनों हमारे कैपेसिटर के हैं और हमारा अर्थिंग का है। तो चलिए इस कनेक्टर को जो हम कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके यहाँ सीधा डायरेक्ट टेपिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो है इसकी कंप्लीट वायरिंग कर दी है, देख सकते हैं ये हमारे कैपेसिटर के वायर थे, ये ग्राउंड का था
और ये जो है यहाँ पे हमने मोटर के वायर कट कर दिया था, कनेक्टर जो था ये जल चुका था देख सकते हैं, और इसे हमने जो है यहाँ पे सीधे डायरेक्ट वायर लगाए। और मैं कनेक्टर की हालत दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा दयनीय हालत थी, मतलब जल चुका था, इसीलिए हमने उसे निकाला है और तारें यहाँ डायरेक्ट जोड़ दी हमने। तो अभी हमारे जो है 2 स्क्रू सिर्फ यहाँ लगेंगे ड्रेन पाइप के लिए, और फाइनल ये हमारा प्रेशर सेंसर का रहता है, यहाँ पे लगाने के बाद हमारा जो है फाइनल वॉशिंग मशीन फिट हो चुकी है, और इसे जो हम डायरेक्ट अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसे स्क्रू यहाँ लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, बाकी फिटिंग नॉर्मल रहेगी पीसीबी की जैसे आप करते हैं वो भी चलो दिखाएंगे कनेक्शन भी। चलो मैं नट लगा लेता हूँ यहाँ पे, हम जो है इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस साइड का कनेक्शन करेंगे, ठीक है, ये जैक हमारा लग गया है, ये वाला हमारा जैक लगा लेते हैं, इसमें प्रेशर सेंसर ड्रेन मोटर का लेफ्ट राइट रहेगा, और इसे भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया है। अभी हम इसे फाइनली फिटिंग कर देते हैं।